हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप का भाग दो। भाग एक में हमने कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति के बारे में पढ़ा था कि जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति पर कोरल रीफ्स पर ही बना हुआ है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? ये हमारा इंडिया में इस तरफ बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अरब सागर है। अरब सागर में स्थित है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है ये 36 द्वीपों से मिलकर बना है और जो इसका एरिया है ये 32 स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत ही कम क्षेत्रफल में ये है, लेकिन अगर हम ये देखें कि ये पूरे के पूरे समुद्र में ये कितने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, तो पूरा का पूरा ये 78,000 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। और कितने द्वीपों से मिलकर बना है? 36 द्वीपों से। लेकिन क्या 36 के 36 द्वीपों में लोग रहते हैं? नहीं, केवल 10 द्वीपों में लोग रहते हैं। वो 10 द्वीप मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। चेतलत, किल्तन, बित्रा, कदमत, बंगराम, अमीनी, अगाती, कवरती, कालपेनी, एंड्रॉथ और मिनीकॉय, इन 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं और कुल 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। ठीक है, अब जो है इनमें देखते हैं हम, जो आपके ऊपर ये जो लाइन मैंने बना रखी है, इस लाइन के ऊपर जो आपको आइलैंड दिख रहे हैं, चेतलत, किल्तन, बित्रा, कदमत, बंगरा और अमीनी, ठीक, ये सारे मिलकर बनाते हैं अमीन देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड। इतने पूरे को क्या बोलेंगे? अमीन देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसके बाद आप जो नीचे देख रहे हैं, अगाती, कवराती, कालपेनी और एंड्रॉथ, ये सारे मिलकर बनाते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या बनाते हैं? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, या इन्हीं को बोलते हैं कनानोर आइलैंड। कहीं आपको कनानोर आइलैंड मैप में लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये इन द्वीपों की बात कर रहा है, यानी कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात कर रहा है। ठीक है, फिर आपका मिनीकॉय खेले आ जाता है। ठीक, तो पहले अभी तो लक्षद्वीप नाम है, लक्षद्वीप से पहले क्या नाम था? आपने कहीं कहीं लक्षद्वीप सुना होगा, तो केवल लक्षद्वीप नहीं, अमीन देवी, लक्षद्वीप और मिनीकॉय, इन तीनों को मिला के नाम था। क्या था? अमीन देवी, लक्षद्वीप और मिनीकॉय, केवल लक्षद्वीप नाम नहीं था। और आज क्या नाम है? आज इसका नाम पूरा मिला के लक्षद्वीप रख दिया गया। क्लियर? ठीक है, अब अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री से 12 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ, और देशांतरीय विस्तार है इसका 71 डिग्री से 74 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे हम? हमें इंडिया का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद है, 8 डिग्री 4 मिनट नीचे से स्टार्ट कहाँ से होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से, तो उससे थोड़ा नीचे है, तो याद रख लेंगे क्या 8 डिग्री, और कहाँ तक गया है? 12 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ तक गया है। फिर देशांतरीय विस्तार कितना? 71 डिग्री से 74 डिग्री ईस्ट। ये कैसे ध्यान रखेंगे? भारत का देशांतरीय विस्तार ध्यान करिए आप, तो कहाँ से शुरू है? 68 डिग्री 7 मिनट से, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है देशांतरीय विस्तार। तो 68 डिग्री से आपको थोड़ा सा आगे जाना है, ये आपका ये गुजरात में यहाँ पर, यहाँ से है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, तो इससे आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 71 डिग्री। तो अब आपको याद रहेगा ना कि 71 डिग्री से 74 डिग्री ईस्ट जो है इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, कैपिटल पर आते हैं। कैपिटल इसकी कवरती है। जो लार्जेस्ट सिटी है इनमें वो एंड्रॉथ है। क्या है? एंड्रॉथ है। और एकमात्र इस पूरे में एकमात्र इसका एयरपोर्ट है वो अगाती में मिलेगा, यानी कि अगर आप मेनलैंड से लक्षद्वीप में जाना चाहते हैं तो आपको कोचीन से फ्लाइट लेनी होगी। कहाँ के लिए? अगाती के लिए लेनी होगी। क्लियर हो पा रही है बात कि कोचीन से आपको फ्लाइट लेनी होगी अगाती के लिए। अब ये जो मैंने डिस्टेंस दिखा रखी है वो ये शो करने के लिए कि अगर आप मेन लैंड से लक्षद्वीप पे जाते तो आपको मिनिमम कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी और मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। तो जो मिनिमम डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी वो देखिए, एंड्रॉथ आपको सबसे पास में दिखाई पड़ रहा है जो कि सबसे लार्जेस्ट सिटी है, और ये इसकी दूरी कितनी है? 293 किलोमीटर। कितनी? 293 किलोमीटर। और जो आपको सबसे ज्यादा दिख रही होगी वो बित्रा की दिख रही होगी, 483 किलोमीटर। लेकिन जुड़े कहाँ से हैं? अगाती से जुड़े हुए, क्योंकि एकमात्र एयरपोर्ट कहाँ पर है? अगाती में है। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगाती कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में मिल रहा है? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले अमीन देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड और फिर मिनीकॉय, यही इसका पहले नाम था, अमीन द्वीप, लक्षद्वीप और मिनीकॉय, और अब जाके पूरा मिला के नाम क्या हो गया है? लक्षद्वीप हो गया है। ठीक, अब ये जो लाइन बनाई हुई है, देखो जो याद रहा
रखनी है वो आपको ये, ये तो मालदीव है, ये दूसरा देश हो गया, ठीक है, जो कि आपके लक्षद्वीप के एकदम दक्षिण में है, मालदीव देश है हमारा, हमारा नहीं मतलब हमारा पड़ोसी देश है, क्लियर। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में पूछा जाता है कि कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, तो 8 डिग्री ऑफ चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, क्लियर। फिर पूछा जाता है मिनिकॉय को कवरंती से, या ऐसे पूछ लेते हैं मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन सा अलग करता है, या लक्कादीप से कौन सा अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल है ना। तो ये तो 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल हमें याद ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही है कि जो भारत का विस्तार है अक्षांशी वो कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट से, उसके नीचे आपका पड़ रहा है मालदीव, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट। इंडिया का जो अक्षांशी विस्तार है शुरू हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से, उसके नीचे भाई भारत के नीचे ही तो मालदीव है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से थोड़ा कम, यानी 8 डिग्री चैनल पड़ेगा किसके, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, 8 डिग्री के ऊपर 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है वो 9 डिग्री है। इसी प्रकार हमने अंडमान निकोबार में पढ़ा था कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपके मैप दिमाग में है तो आपको याद रहेगा कि किनके किनके बीच में 8 डिग्री चैनल, मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, क्लियर। ठीक है, ये चीजें हो गई। लार्जेस्ट सिटी हमने समझ ली कौन सी है, एंड्रोत है, एयरपोर्ट अगाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, मलयालम सबसे ज्यादा बोली जाती है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, मलयालम सबसे ज्यादा बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी मलयालम है और इंग्लिश है, और भी बहुत सारी यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे जैसेरी हो गई, देवेरी हो गई, जो देवेरी लैंग्वेज है ये बोली जाती है मिनिकॉय में, और यही लैंग्वेज मालदीव में बोली जाती है। आपको बहुत सारा जो कल्चर है, लैंग्वेज है, और जो ये लोग हैं, ये सब आपको मालदीव की तरीके दिखाई देंगे, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, सारी चीजें मालदीव से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है मिनिकॉय की। यहाँ का जो डांस है लावा डांस, वो भी मालदीव में परफॉर्म किया जाता है, क्लियर। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। डिस्ट्रिक्ट एक ही है, अंडमान निकोबार में पढ़े थे कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 3 डिस्ट्रिक्ट थे, लक्षद्वीप में कितना, 1 डिस्ट्रिक्ट है। एरिया बताया ही मैंने कि 32 स्क्वायर किलोमीटर, जो लैंड है ना, जितने लैंड मास है, वो एरिया जो है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है, और पूरा बॉर्डर कितना कर रहा है, 78,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, अब इसकी हिस्ट्री पर आते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारा संदेह है कि पता नहीं है कि यहाँ पर सबसे पहले कौन आए, फिर कौन आए, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और ये चीज तो क्लियर है कि लक्षद्वीप में आदिवासी नहीं थे, मतलब कि जो ऐसा नहीं था कि वहां पर लोग पहले से ही रह रहे थे, यहाँ पर सेटलमेंट हुए, लोग कहीं ना कहीं से आए हैं। अब इस बात की प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है कि कौन यहाँ पर पहले जाकर बसा, ठीक, फिर भी मैंने चीजों को प्रॉपर क्रोनोलॉजी में करके रखा हुआ है, शायद आपको चीजें समझ में आए। देखो, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले लक्षद्वीप पर हिंदू रहते थे, सबसे पहले कौन रहते थे, हिंदू रहते थे, फिर बाद में मुस्लिम आए, अरब ट्रेडर्स आए, उसके बाद ये पूरी की पूरी लैंड क्या हो गई, इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। तो पहले हिंदू रहते थे, और हिंदू में भी ये बोला जाता है कि चेर राजवंश ने सबसे पहले शासन किया है लक्षद्वीप पर। मेरा एक सवाल है कि अशोक के शिलालेख में चेर राजवंश को किस नाम से पुकारा गया है, अशोक के शिलालेख में चेर राजवंश को किस नाम से पुकारा गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में इबन बतूता का आपने नाम सुना होगा, जो विदेशी यात्री आया था भारत में, इबन बतूता का जो लिटरेचर है उसमें लक्षद्वीप के बारे में जानकारी मिलती है। एक दूसरा सवाल मेरा कि इबन बतूता कौन से देश से आया था, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं पूछती हूँ ताकि आप उनको सर्च करें और आपके दिमाग में रहें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप ये भी बताएं कि इबन बतूता की मृत्यु कब हुई थी, आप मृत्यु लिखेंगे तो आपको टाइम पीरियड भी याद हो जाएगा कि इबन बतूता किस समय काल का था, क्लियर, किसके शासन काल में आया था, मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इबन बतूता आया था, ठीक। फिर ये भी एविडेंस मिलते हैं कि 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी में यहाँ पर बौद्ध रहे हैं आकर। आफ्टर दैट 661 AD में उबैदुल्ला नाम का एक अरब सेंट आया था जिसने इस्लाम की शुरुआत करी, ठीक है। आप स्टार्टिंग से समझिए कि पहले हिंदू थे यहाँ पर, 16th और 17th सेंचुरी में हमें एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पर बुद्ध
रहने आए, ठीक है। फिर 661 एडी में उबैदुल्ला ने इस्लाम की यहाँ पर स्थापना करी। शुरुआत किसने करी? उबैदुल्ला ने। और यही जो उबैदुल्ला है ना, इसकी कब्र है आज भी एंड्रोथ में। इसकी कब्र कहाँ पर है? एंड्रोथ में। एंड्रोथ में, क्लियर। फिर 14th सेंचुरी में जब अरब ट्रेडर्स आए, तब फाइनली पूरी की पूरी लैंड जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। आज भी कितने मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते हैं? करीब 96% मुस्लिम रहते हैं और 2% करीब हिंदू रहते हैं यहाँ पर, क्लियर। इसके बाद 16th सेंचुरी में किंगडम ऑफ कैनॉन और कोलाथिरी राजा ने यहाँ पर शासन किया है 16th सेंचुरी तक। देखो, किंगडम ऑफ कैनॉन और जो केरल के चार किंगडम थे ना, चार मेजर किंगडम में से एक था किंगडम ऑफ कनन। और इसी समय जो एक जमोरिन राजा थे, जब पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के तट पर आए थे, तो जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। तो उन्हीं चार किंगडम में से एक था किंगडम ऑफ कनन, और उसके राजा थे कोलाथिरी। इन्होंने लक्षद्वीप पर शासन किया। फिर इन्हीं कोलाथिरी राजा ने 17th सेंचुरी में अली राजा को ये लक्षद्वीप जो है गिफ्ट कर दिया, ठीक। अली राजा आपको लिखा मिलेगा अराक्कल बीबी। अली राजा ऑब्लिक करके हर जगह अराक्कल बीबी लिखा होता है। तो ये अराक्कल बीबी कौन है? जो राजा था उनको अली राजा बोला जाता था, और जो क्वीन थी वहां की उनको बोला जाता था अराक्कल बीबी, क्लियर। और जब ये जो किंगडम कोलाथिरी राजा ने अली राजा को दे दिया, तो इस किंगडम को कहा जाने लगा किंगडम ऑफ अराक्कल। क्या कहा जाने लगा? किंगडम ऑफ अराक्कल। देन 1787 में टीपू सुल्तान आए। टीपू सुल्तान ने लक्षद्वीप पर अपना शासन कर लिया। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो टीपू सुल्तान ने जो कैप्चर किया था वो था अमीन देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। टीपू सुल्तान ने क्या लिया था? अमीन देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड। और जो इनके पास था, यानी किंगडम ऑफ कनन और में जो था कोलाथिरी राजा के पास था, वो ये था लक्कादीव आइलैंड। इसी कारण से लक्कादीव आइलैंड को क्या बोल रहे हैं? कन्नौर आइलैंड। इसी कारण से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो राजा थे कोलाथिरी राजा, ये थे कन्नूर के। ये इस जगह मैंने बनाया हुआ कन्नूर, ये इस जगह पर अपना शासन कर रहे थे। इसी जगह को पहले कन्नौर बोला जाता था। तो कन्नौर के राजा थे कोलाथिरी, इसीलिए इस पूरे किंगडम को क्या बोलना जाने लगा? किंगडम ऑफ कन्नौर। तो ये किसके अंडर में था? कोलाथिरी राजा के अंडर में। और जो अमीन देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये किसके अंडर में था? टीपू सुल्तान के अंडर में। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, किसके बीच में? टीपू सुल्तान के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो उसमें क्या हुआ, ये जो टीपू सुल्तान थे, ये अमीन देवी ग्रुप ऑफ आइलैंड को हार गए, ठीक। तो जब हार गए तो ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। तो ब्रिटिशर्स ने इसको अपने कब्जे में रहा, और जो बाकी सारा था, ये जो कन्नौर आइलैंड था, इनको ये जो अली राजा हैं, अराक्कल हैं, इनकी फैमिली को ही दे रखा था वो। और बदले में उनसे वो कुछ पैसे लेते थे, लेकिन शासन करने के लिए उन्होंने किंगडम ऑफ अराक्कल को दे रखा था, क्लियर। फिर क्या हुआ, जब हम भारत आजाद हो गया 1947 में, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को ये लक्षद्वीप पूरा का पूरा मद्रास से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। मद्रास, मद्रास पूरा क्या था? मद्रास आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये पूरा का पूरा हिस्सा मद्रास था, उसी में लक्षद्वीप जुड़ा हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को मद्रास से अलग करके इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, क्लियर। जब 1 नवंबर 1956 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना, तब भी इसका नाम क्या था? लक्कादीप, अमीन द्वीप और मिनी कॉय नाम था, क्लियर, ठीक है। फिर नाम कब बदला? नाम बदला है 1973 में फाइनली नाम बदलकर इसका हुआ है लक्षद्वीप, क्लियर। जो लक्षद्वीप के लोग हैं वो नारियल की खेती पर निर्भर करते हैं। नारियल का प्रोडक्शन यहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा होता है। फिशिंग पर डिपेंड करते हैं, टूरिज्म पर ये लोग डिपेंड करते हैं। और एक चीज, यहाँ पर एकमात्र बर्ड सेंचुरी है, वो है पिटी आइलैंड पे। पिटी आइलैंड में मैंने नहीं बना रखा है क्योंकि वो आवासीय नहीं है, वहां पर लोग नहीं रहते। यहाँ पर जितने भी आइलैंड बने हुए हैं वो 10 आइलैंड्स हैं जहां पर लोग रहते हैं, क्लियर, ठीक है। एक चीज और, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ क्लियर नहीं है कि लोग इनिशियली आए कहाँ से।
से। तो उसके लिए अभी रिसेंटली जेनेटिक स्टडी करी गई थी लक्षद्वीप के लोगों पर। तो उसमें जेनेटिक स्टडी में ये मिला कि इनके जो जेनेटिक सिग्नेचर है ये मालदीव से मिलते हैं, इंडिया से मिलते हैं और श्रीलंका से मिलते हैं। मतलब ये तो क्लियर है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं वो या तो मालदीव से आए हैं या श्रीलंका से आए हैं या फिर इंडिया से ही आए हैं, कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं है। दूसरी चीज, इनमें जेनेटिक जो लक्षद्वीप के लोग हैं उनमें जेनेटिक मिक्सिंग नहीं मिलती है। जेनेटिक मिक्सिंग का मतलब ये हो गया जब हम दूर दूर शादी करते हैं, दूर दूर का मतलब जैसे इंडिया का व्यक्ति अमेरिका के व्यक्ति से शादी कर रहा है तो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें जेनेटिक मिक्सिंग दिखाई देती है, लेकिन यहाँ के लोगों में जेनेटिक मिक्सिंग नहीं दिखाई दी, यानी कि ये लोग आपस में ही शादी करते हैं। क्लियर। और जो यहाँ पर कोकोनट का प्रोडक्शन होता है, कोकोनट के प्रोडक्शन में चूहों ने बहुत बर्बादी करी लक्षद्वीप में 30-40% की। इसके कारण यहाँ पर आउल मंगवाए गए केरला से, केरल से आउल यहाँ मंगवाए गए ताकि वो उनको खत्म कर सके और कोकोनट का जो प्रोडक्शन है वो ठीक से चलता रहे। तो ये कुछ करंट वाली चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है, पेपर में आ सकती है कि आउल कहाँ से मंगवाए गए, तो केरल से मंगवाए गए। क्लियर। एक चीज ये कि कवरत्ती जो है यहाँ पर मस्जिद बहुत सारी है, 52 मस्जिद है, उसमें से आपको उज्र मस्जिद का नाम ध्यान रखना है। ये मैंने कोकोनट बना दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, कोकोनट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर। वैसे सारी चीजें हो गई हैं, अगर कोई चीज बाकी होगी भी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगी। और जो कुछ छोटी छोटी स्टैटिक चीजें होती है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएंगी। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।